और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के परुलिया में साधुओं से मारपीट के मामले में 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस पूरे मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के परुलिया में टीएमसी से जुड़े लोगों ने कुछ साधुओं की पिटाई की है। इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी लगातार यहां पर टीएमसी पर हमलावर थी। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। साधुओं की पिटाई का 30 सेकंड का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और लगातार बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि आखिर किसने साधुओं पर हाथ उठाया है। 12 लोगों को फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि एक्शन लिया गया इस पूरे मामले में, बवाल शुरू हो गया था, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया इस पूरे मामले में अब तक। तो भारतीय जनता पार्टी ने वीडियो जारी करके इस पूरे मामले को उठाया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी वीडियो में लोगों की भीड़ एक साधु की जान लेने पर तुली दिखाई थी। एक आदमी साधु के बाल पकड़कर खड़ा हुआ नजर आया, वो साधु के बाल लगातार खींचता रहा तो दूसरे लोग साधु को पीटते हुए दिखाई दिए। इस मारपीट में साधु के कपड़े तक उतार दिए गए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं एक दूसरा साधु बाकी लोगों के हत्थे चढ़ा नजर आया, लोग उसे पीटते हुए दिखाई दिए, तस्वीरों में उसके कपड़े फटे हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय और बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इस घटना को 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में हुई उस हिंसा से जोड़ा, जिसमें लोगों ने दो साधुओं को पीट पीट कर मार डाला था। और इस वीडियो के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदू होना अपराध हो गया है। तो आरोप तो देखिए ये भी लगाया जा रहा है कि लोगों ने साधुओं को सिर्फ इसीलिए पीटा क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि वो बच्चा चोर है। इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है। इस दूसरे वीडियो में लोगों का हुजूम साधुओं की टोली पर आंख बबूला दिखाई दिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें एक साधु हाथ जोड़ता रहा और एक आदमी गुस्से में उसे उंगली दिखाता हुआ नजर आया। साधुओं को बचाने के लिए पुलिस भीड़ के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई, लेकिन तब भी लोग साधुओं को मारने के लिए हाथ चलाते रहे। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टिकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दें, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया, इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टिकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रहे हैं और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल सरकार पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बंगाल सरकार पर तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया। तो सुना आपने अनुराग ठाकुर को, लेकिन अब आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुरुलिया में जिन साधुओं की पिटाई की गई, उन साधुओं से बीजेपी के सांसद ज्योतिर्मय सिंह मुलाकात करने पहुंचे। साधुओं से मिलकर बीजेपी सांसद ने उनका हालचाल जाना। साधुओं के लिए बीजेपी सांसद गर्म कपड़े और खाने पीने की चीजें लेकर पहुंचे। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए पीड़ित साधुओं का किस तरीके से सम्मान किया गया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, यकीन मानिए उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया कि आखिर किस तरीके से साधुओं की जो है पिटाई की गई। और अब आपको ये दो तस्वीरें दिखा रही है। पीड़ित साधुओं का सम्मान करने के लिए बीजेपी के सांसद जो है वो वहां पर पहुंचे। तो अब आपको तीन तस्वीरें भी दिखाते हैं। बंगाल में साधुओं की पिटाई पर संत समाज ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है। सुनाते आपको। घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो है उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है, जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा से पंडाले उजारा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य
की बात है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय संत सुरक्षित नहीं है, उस समय गैर बीजेपी सरकार में बंगाल में और तमाम जगह संत मारे जा रहे हैं, यानी यह किसी भी तरीके से इससे बड़ा आसुरी, इससे बड़ा राक्षसी राज्य कुछ नहीं हो सकता।